हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है कुलभी बंदा। तो दोस्तों बताते हैं आपको आज की वीडियो के बारे में। तो जैसा कि ये सबको पता ही होगा, अब जिनको नहीं पता उनको बता दें कि आज है बसंत पंचमी। तो आज कुछ ऐसा होता है कि आज हमारे यहाँ जो श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं, वो निकलते हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी दशहरे में निकलते हैं अपने रथ में सवार होकर, वैसे ही कुछ आज भी निकलते हैं। तो आज दिखाएंगे आपको किस तरह श्री राम जी की जो रथ यात्रा है वो पूर्ण की जाती है। तो बने रहिए चैनल के साथ और हाँ, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और चलिए मिलते हैं, जाते हैं सीधे। तो जहाँ पर जो आप सामने आप रथ देख रहे हैं, तो ये है श्री रघुनाथ जी का और उनकी जो सवारियाँ हैं, इनके जो छत्र है आप देख सकते हैं, ये निशानियाँ हैं कुछ एक श्री रघुनाथ जी की, उनको उठाए हुए हैं सारे भक्तजन, जो भी इनके उठाने वाले जो भक्त हैं। तो आगे आगे चल पड़े हैं और बस अब खींचने लगे ही हैं, लगभग अब रथ खींचना शुरू ही होने वाला है। और आप देख सकते हैं भीड़ का जमावड़ा, सब श्री रघुनाथ जी को देखने यहाँ पर पहुँचे हैं और बस रथ को खींचने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हैं श्री राम जी का जत्था, जो श्री राम जी की सेना है, श्री राम जी के श्रद्धालु है, श्री राम जी के जो भक्त हैं, वो अपनी अपनी जो ड्यूटी है, जो अपने कार्य हैं, अपने जो निशानियां हैं जो श्री राम जी की, उनके उठाए हुए आगे आगे चल पड़े हैं। तो कुछ ही देर में श्री राम जी के जो रथ को है वो खींचा जाएगा। और आप देख सकते हैं श्री राम जी के रथ को खींचा गया है और आप देख सकते हैं धूल ही धूल, ये है, यहाँ से पता चलता है कि अब श्री राम जो श्री रघुनाथ जी के रथ को खींचा गया। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो श्रद्धालु है बहुत, खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो जो ये रथ है इसके अंदर हमारे रघुनाथ जी, सियाराम जी, सियापति राम जी विराजमान हैं और भक्त उनके रथों को खींच कर ले जा रहे हैं। तो ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, रथ खींचने की परंपरा है बसंत पंचमी, ये हर साल निभाई जाती है और हर साल ऐसे ही श्रद्धालु और हर साल बढ़ते जा रहे हैं श्रद्धालु। अभी तो आप देख सकते हैं कि लाल झंडा जो है ये दिखाया गया है, इसका मतलब ये होता है कि रथ को रोक दिया जाए। और जब हरी झंडी दिखाई जाती है जैसे मैंने पहले बताया, उसका मतलब ये होता है कि आदेश होता है कि आगे चलिए। तो यहाँ देखिए पूरी जो युवा है, ज़्यादातर इसमें युवा ही है, तो ये युवा लोग सारे राम जी के रथ को खींच रहे हैं। और जो राम जी के नारे का उद्घोष यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से चला है और जो उनके अंदर, जो रथ के अंदर हमारे जो पुजारी वगैरह होते हैं राम जी के, जो सारे पुजारी होते हैं वो इसमें विराजमान हैं, इनमें इस रथ में विराजमान है। और पीछे से आप देख सकते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से होता है ये रथ, आप देख सकते हैं ऐसे कुछ, ये लकड़ी के, पूरा लकड़ी का होता है और ये जो पहिए हैं लकड़ी के होते हैं, जो आप हाथ में डंडे लेके चले हुए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं श्रद्धालु है इस रथ के साथ, ये होता है जो ब्रेक का काम करता है। जब रथ को रोकना हो तो ये ब्रेक का काम करता है, इससे रथ को रोका जाता है। जो हाथ में आप देख सकते हैं लकड़ियाँ डाल के हैं, इसका मतलब ये होता है जब रोकना हो तो इस तरह, आप देख सकते हैं कि इस तरह रथ को रोका जाता है। जो यहाँ पर लोहा है इसके अंदर इस लकड़ी को घुसाया जाता है और पूरा ज़ोर से दबाया जाता है। और आप देख सकते हैं रथ को रोकने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बस रुकने ही वाला है। और आप देख सकते हैं आगे रस्सा, जो दो रस्से हैं उनको लगाया गया है, इन रस्सों से ही जो राम जी के रथ को है वो खींचा जाता है। तो रथ तो रुक चुका है, राम जी का जो रथ है वो रुक चुका है। तो जो यहाँ पर जो पुजारी है, जो अंदर जो पुजारी होते हैं राम जी के जो रथ में,
तो अभी बाहर आ रहे हैं क्योंकि जो यहाँ से अब जो राम जी की जो मूर्ति है, सिया राम जी की जो मूर्ति है उसको उठाकर अब जो एक मंदिर है ढालपुर ग्राउंड में, जो ढालपुर मैदान में एक मंदिर है जहाँ पर राम जी को विराजमान किया जाता है दशहरे में भी और बसंत पंचमी में भी। और आप देख सकते हैं राजा महेश्वर सिंह जी जो छड़ीदार है, राम जी के छड़ीदार हैं, वो आ चुके हैं और राम जी को लेने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कुछ ही देर में अब राम जी इस रथ से निकलकर अपने मंदिर, जो मंदिर में विराजमान होंगे और भक्तों को अपने दर्शन देंगे। तो आप देख सकते हैं बस अब जो राजा महेश्वर जी जो छड़ीदार है श्री राम जी के, वो बस पहुंच गए हैं। अब सारे जो जत्था के साथ राम जी सारे अपने जो निशानियों के साथ, जो निशानियों को उठाए हुए भक्त उनके जो हैं उनके साथ चल पड़ेंगे अपने मंदिर की ओर जहाँ पर विराजमान होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो पुजारी जी हाथ में पकड़ के बैठे हैं, ये राम जी है जो कि फूलों से सुसज्जित है, जो मूर्ति है फूलों से सुसज्जित है चारों ओर से। तो उनको उठाकर अब चल पड़े हैं मंदिर की ओर। तो बहुत सारे भीड़, बहुत सारे जो यहाँ पर भक्त हैं अपने अपने फ़ोन में, अपने अपने कैमरों में ये कैद करना चाहते हैं इस मोमेंट को। तो राम जी अपने जो छत्र आप देख रहे हैं सामने, इसके नीचे राम जी चल पड़े हैं अपने मंदिर को, जो मंदिर की ओर आप सामने आप देख सकते हैं जो ये मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर ये जो पीले पीले आप जो चादर देख रहे हैं, जो तरपाल देख रहे हैं, इसके नीचे राम जी विराजमान होंगे, कुछ देर के लिए विराजमान होंगे, एक डेढ़ घंटा, एक आधा, एक से एक घंटे के लिए लगभग यहाँ पर विराजमान हुए। और उसके बाद फिर से इस रथ पे चढ़ेंगे, जिस रथ से आए थे श्री राम जी उसी रथ से चढ़ेंगे और फिर से चले जाएंगे और बसंत पंचमी ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर राम जी अपने मंदिर की ओर जा रहे हैं, अपने मंदिर की ये जो इस रथ से वापस भी जाएंगे कुछ देर बाद, एक घंटे के बाद सब भक्तों को अपने दर्शन, सब भक्त जब दर्शन कर लेंगे तो राम जी प्रस्थान करेंगे फिर से। तो हम भी चलते हैं कुछ देर बाद, देख सकते हैं भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो दर्शन तो हमने भी करने हैं, तो चलिए दर्शन करते हैं, मैं भी जाता हूँ और दर्शन करता हूँ। फिलहाल तो मैं लाइन में लगा हूँ सब भक्तों के साथ और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राम जी विराजमान हैं। तो मैं तो लाइन में लग चुका हूँ, आप देख सकते हैं, बस आप देख सकते हैं मेरे जो आगे पीछे मैं बीच बीच में इस टाइम हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, जगह नहीं है, तो पर क्या करें, दर्शन तो करने हैं। तो आखिरकार श्री राम जी का जो सिंहासन है, श्री राम जी यहाँ पर विराजमान आप देख सकते हैं। तो राम जी तो विराजमान है, दर्शन तो हमने कर लिए, बहुत ही आनंद आया और आंखों को जो संतुष्टि मिल चुकी है राम जी को देख के। तो यहाँ पर जो भजन कीर्तन भी चल पड़ा है, आप देख सकते हैं राम जी के आने से यहाँ पर जो खुशी की लहर है वो दौड़ चुकी है और सभी राम जी के भजनों को गा रहे हैं, श्री राम जी के नारे लग रहे हैं और आप देख सकते हैं मगन है सब। यहाँ पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा लग चुकी है, लगनी लाजमी है क्योंकि अंदर जो विराजमान है वो इस ब्रह्मांड के राजा है श्री राम जी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भजन कीर्तन चला है, डफली लेके जो डफली प्रकार की कुछ है, इससे कोई ये जो गीत गाए जा रहे हैं राम जी के जो आने से गीत गाए जा रहे हैं राम जी के लिए। तो राम जी का रथ तो सामने है और यहाँ पर राम जी विराजमान है, तो कुछ ही देर में अब गुलाल उड़ेगा, पीले रंग का भगवा रंग का गुलाल उड़ेगा। आप देख सकते हैं जो गुलाल है पीले रंग का राजा महेश्वर सिंह द्वारा फेंका जा रहा है, आप देख सकते हैं। और गुलाल इस बात का प्रमाण है कि बसंत पंचमी शुरू हो चुकी है और अच्छे से हुई है, आप देख सकते हैं गुलाल को उड़ाया जा रहा है। तो चारों तरफ गुलाल ही गुलाल पीले रंग का। तो अब जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी, दर्शन सबको मिल चुके हैं राम जी के। तो अब जो राम जी का जत्था है, जो राम जी के भक्त को जो निशानियां हैं, निशानियों के साथ जो उनके भक्त हैं वो चल पड़े हैं आगे आगे, और राजा महेश्वर जी शरीरदार आप देख सकते हैं वो भी चल पड़े हैं साथ साथ में, और राम जी निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं फूलों के बीच में जो है राम जी विराजमान है और चल पड़े हैं अपने रथ की ओर। तो राम जी विराजमान हो चुके हैं अपने रथ में और देख सकते हैं जो रथ है उसको उनको खींचा जा रहा है, जो उनके भक्त हैं उन भक्तों द्वारा खींचा जा रहा है राम जी के रथ को। और राम जी अपने दर्शन देके चल पड़े हैं फिर से, अब आएंगे राम जी दशहरे में, जब दशहरा होगा तब राम जी फिर से आएंगे, इसी प्रकार आएंगे इसी रथ में आएंगे। और जो आज की जो बसंत पंचमी है पूर्ण हुई, राम जी के दर्शन भी हो गए और बसंत शुरू भी हो चुका है, और आप देख सकते हैं सारे जो भक्त हैं रथों को खींच के ले जा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप शायद आपको बहुत आनंद आया होगा क्योंकि राम जी इसमें थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिनको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय महाकाल, जय बिजली महादेव, जय सियापति रामचंद्र की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में।